नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। पीटी ने आंसर की जारी कर दिया है। पीटी 2022 का आंसर की जारी हो चुका है। मास्टर आंसर की जारी हुआ है। चारों शिफ्ट के जो है मास्टर आंसर की आपके जारी हुए हैं। कैसे आपके आंसर की हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि अब आंसर की आ गया है तो आप लोग अपने अपने आंसर मैच कर लेना, कितने करेक्ट हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। और उसी के बेसिस पर परीक्षा प्लस टीम जो है आपसे एक गूगल फॉर्म फिल करा रही है जिसका नाम है नो योर परसेंटाइल, ठीक है, कि आपकी परसेंटाइल क्या होगी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट जो है सबसे ज्यादा आपकी इजी थी, वो उसी के बेसिस पर पता चलेगा जब आप मार्क्स अपने शेयर करोगे हमसे, ठीक है। तो ये गूगल फॉर्म है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस फॉर्म की लिंक लगी हुई है, आप ओपन करिए और जो भी डिटेल आपसे वहां पे मांगा गया रहा है वो डिटेल फिल करिए। और जब ही हमारे पास डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो हम एक एक्यूरेट चीज बता पाएंगे आपको कि क्या मैक्सिमम परसेंट कितने नंबर पे आपका मैक्सिमम परसेंटाइल आपका बनने वाला है, और पिछली बार से इस बार की अपेक्षा क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे वो जब आप अपना डाटा दोगे तभी हम एग्जैक्ट बता पाएंगे। तो आंसर की कैसे दिख रही है वो आप लोग एक बार देख लो, क्योंकि अलग अलग जो आपकी सीरीज है उसके आंसर की नहीं आए हैं, सीधे मास्टर आंसर की आया है। और मास्टर आंसर की से आप अपने क्वेश्चन को मैच करा सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन, जैसे मैंने एक सिंगल सा मास्टर किया की लिया है, और द्वितीय पाली का है 15 तारीख वाला, ठीक है, 15 तारीख वाला जो कुछ लोग बोल रहे थे कि ये हार्ड है, 16 वाला हार्ड है, दो ही तो है शिफ्ट वाला है उसी में चल रहा है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका और आंसर दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन दिया है आंसर दिया है, ये मास्टर है, आप अपना क्वेश्चन देख लो, पेपर आपके पास सही है, और उसके बाद से जो आंसर ओएमआर वाला आपको मिला है उससे आप मैच करा लो कि आपके कितने सही और कितने गलत हो रहे हैं। तो ऐसे पूरा मास्टर दिया है, पूरे की पूरी आप देख सकते हो सब कुछ एकदम, एक क्वेश्चन भी दिया है उसके साथ करेक्ट आंसर आपका यहां पर दे दिया है। और जो विवादित क्वेश्चन है वो आपको परीक्षा प्लस टीम के द्वारा परीक्षा प्लस की जो आंसर की है वो भी आपको दी गई है, और वहां पे जो भी ऐसा लगा है कि कुछ विवादित हो सकता है उसमें दिया गया, यहां पर आपको विवादित नहीं देगा। इसके बाद जो री वाला आपका आएगा आंसर की दोबारा आएगा वहां पर वो खुद एनालाइज करके उसको ओमिट करेगा, जैसे इस वाले शिफ्ट में है एक विवादित लेकिन इसने आंसर की में दे दिया है लेकिन वो क्वेश्चन विवादित है और डीआई का क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता दे रहा हूं, इसने तो आंसर दे दिया अलग, इसी पाई चार्ट का जो ये आंसर है वो मैं पहले बता दे रहा हूं, 72 ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसा ऑप्शन यहां मौजूद नहीं था, इसलिए ये गलत क्वेश्चन है। तो जिसके भी मतलब क्वेश्चन नहीं लगे होंगे चाहे जो भी हुआ हो तो इसके नंबर सबको मिलेंगे, वो पूरे परीक्षा प्लस टीम आपको बताएगी। तो जो भी दिक्कत कोई समस्या हो आपको तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन फॉर्म फिल जरूर करिए। आप जितना अच्छा डाटा दोगे उतना ही एक्यूरेट एनालिसिस करके हम आपको बता पाएंगे कि कितने नंबर पर कितना परसेंटाइल आपका बनेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।